श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक नंबर 26 यानी 26। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन। न नहीं बुद्धि भेदम बुद्धि का विचलन जनयेत उत्पन्न करें अज्ञानाम मूर्खों का कर्म संगीनाम सकाम कर्मों में आसक्त जोषयेत नियोजित करें सर्व सारे कर्माणि कर्म विद्वान विद्वान व्यक्ति युक्तः लगा हुआ यानी तत्पर समाचरण अभ्यास करता हुआ विद्वान व्यक्ति को जो बुद्धि परक है विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं ताकि उनके मन में विचलित ना हो उनका मन विचलित ना हो अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जिसमें या जिससे कृष्ण भावना अमृत का क्रमिक विकास हो। तात्पर्य वेदेश्च सर्वेहमेव वेद्यः यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। वेदेश्च सर्वेहमेव वेद्यः सारे अनुष्ठान सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं उन सबों को समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के लिए निमित्त हैं जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचाए अपितु तो उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को अपने कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता ही नहीं रहती क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने में प्राप्त होते हैं। परिशिष्ट भाव तत्वज्ञ यानी तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों में ही कृतत्व अभिमान नहीं होता अतः वे केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म किया करते हैं अपने लिए नहीं। साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि स्वरूप में कृतत्व नहीं है। लोगों को उन मार्गों से हटाकर सन्मार्गों पे लगाना लोक संग्रह ही है। लोक संग्रह का उपाय है कि शास्त्र के अनुसार ठीक आचरण करना पर भीतर में साधक यह भाव रखे कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। वह लोगों में यह न कहे
कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ, मतलब ये प्रदर्शित भी नहीं करना है। संबंध है कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसको भगवान अब आगे के जो श्लोक है उसमें बताएंगे। क्या ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, वो जो नेक्स्ट श्लोक्स होंगे उनमें से वर्सेस होंगे उनमें बताया जाएगा। सो एज नॉट टू डिस्टर्ब द माइंड्स ऑफ इग्नोरेंट मैन अटैच्ड टू द फ्रूटिव रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज ए लर्नेड पर्सन शुड नॉट एंड्यूस them to stop work, rather by working in the spirit of devotion. He should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. Purport. Vedeshya sarve sarve me vidya. That is the end of all Vedic rituals, all rituals, all performances of sacrifices, and everything that is put into the Vedas, including all direction for material activities, are meant for understanding Krishna, who is the ultimate goal of life. But because the conditions soul do not know anything beyond sense gratification. They study the Vedas to that end, but through fruitive activities and sense gratification regulated by the Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna consciousness. Therefore, a realized soul in Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna. The learned Krishna conscious person may act in such a way that the ignorant person working for sense gratification may learn how to act and how to behave. Although the ignorant man is not to be disturbed in his activities, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of the Lord without waiting for other Vedic formulas. For this fortunate man, there is no need to follow the Vedic rituals, because by direct Krishna consciousness, one can have all the results one would otherwise derive from following one's prescribed duties. Shrimad Bhagavad Gita.